आखिरकार वो दिन भी आ गया जब लंबे समय से भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय की मांग हो रही थी, और चूंकि 12 जिले आते हैं और 12 जिलों के लिए अब गोरखपुर के खोराबार के रानीडिया में अब एक भव्य जो हाईटेक कार्यालय कहा जा रहा है, यूपी का सबसे हाईटेक भाजपा का कार्यालय वो बन गया। आपको दिखा देते हैं, 5 मंजिला ये भवन का अंदर का हिस्सा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग भूतल पर हैं और यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ ही अलग अलग कमरे बने हुए हैं और एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया जिसमें एक साथ 500 पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठ सकते हैं और इसके साथ ही जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ ही जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के लिए भी यहाँ पर रूम है। और देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे से जहाँ ये लैस है उसके साथ ही आईटी के लिए एक विशेष हॉल और कक्ष की व्यवस्था की गई है जिससे कि जो सारे गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिले हैं उनकी गतिविधियों को संचालित किया जा सके। और आपको जो दूसरा छोर है, दूसरा छोर भी आपको दिखा देते हैं और ये आप देख सकते हैं कि कितना हाईटेक ये कार्यालय है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो रूम बने हुए हैं वो आप देख कर ही समझ सकते हैं कि जो नई तकनीक है, नई तकनीक के हिसाब से पूरा इस भवन को तैयार किया गया है, 5 मंजिला भवन। और आगे आपको दिखाते हैं जो सबसे खास बात है इस भवन की, वो यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो एक दूसरा जो छोर है वहाँ पर लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है जिससे जो दिव्यांगजन हो या जो बीमार लोग हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं वो लोग भी यहाँ पर ऊपर के तल तक जा सकते हैं। चूंकि 5 फ्लोर बने हुए हैं और ये देख सकते हैं ये लिफ्ट भी इसमें लगाई गई है इस कार्यालय में। और आपको अब बाहरी हिस्से की ओर ले चलते हैं, ऊपर जो है अखंड रामायण का पाठ भी चल रहा है और आप ये देखिए बाहरी जो हिस्सा है वहाँ की भव्यता को आपको हम दिखाते हैं। ये बड़े बड़े जो जनरेटर हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ये बाहरी हिस्सा जहाँ 10 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आ रहे हैं जेपी नड्डा और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, वो इसका लोकार्पण करेंगे। खोराबार का जो रानीडीहा है वहाँ पर इस भव्य जो 5 मंजिला भवन है उसमें क्षेत्रीय कार्यालय भाजपा का बनाया गया और इसकी भव्यता का आप अंदाज़ा ये बाहर के हिस्से से आप खुद ही लगा सकते हैं। भाजपा का जो भाजपा का झंडा है वो फहरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और 10 जून को जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2022 का विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार यहाँ पर आएंगे तो वो एक सौगात यहाँ पर देंगे और एक गरीब कल्याणकारी जो योजना है उसके तहत जो 3000 यहाँ पर जो कर्म 3000 जो गरीब हैं उनको जो 13 योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की उन योजनाओं का भी जो लाभ है वो मिलेगा। और आपको दिखा दें कि यही वो कार्यालय के ठीक सामने की जगह है, जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर, आला अधिकारी भी यहाँ पर सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतज़ाम हैं उन्हें देखने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ का हिस्सा आपको दिखा देते हैं, आगे की तरफ जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ चल रही हैं और 10 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको लेकर जर्मन हैंगर जो पंडाल है उसको लगाने की भी जो कार्रवाई है उसे किया जा रहा है और पुलिस के जो जवान है वो भी सुरक्षा में तैनात है। और अब उस घड़ी का इंतज़ार जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर आएंगे और उनके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहेंगे और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही भाजपा का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसकी सौगात यहाँ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को देंगे। इसके साथ ही वर्चुअल वो 7 अन्य जिलों के भी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। नीरज श्रीवास्तव, बीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।